बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपीएसएल। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेट लाइन का है। कॉन्सेप्ट है यहां पर नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म होती है, टू पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके साथ साथ यहां पर एक और काफी इंपॉर्टेंट यहां पर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म आती है। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, किस तरह से लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है और उसका यूज क्या है क्वेश्चन में, उसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू राइट द इक्वेशन इन अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए देखते हैं। यहां पर यदि ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। ठीक है, यदि हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये कोई भी एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो तरीका होता है फाइंड आउट करने का, यदि मुझे ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, दैट इज ओपी। ठीक है बेटा, इस ओरिजिन से इस लाइन पर यदि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें मालूम होना चाहिए कि आपने जो ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। यदि मान लें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल लाइन है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल थीटा। ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए यदि आप कभी भी लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम कभी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं तो लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा दो चीजें मालूम होनी चाहिए, या तो दो पॉइंट पता हो, या एक पॉइंट एक स्लोप पता हो, या इंटरसेप्ट मालूम हो, या एक स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम हो। मतलब किसी भी तरीका से यदि हमें लाइन पर दो इंफॉर्मेशन पता है तो लाइन की इक्वेशन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम दो इंफॉर्मेशन की बात करें तो लाइन के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन मालूम है। कौन कौन सी मालूम है, एक तो इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, दैट इज पी। दूसरा, ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। यदि ये दो चीजें मालूम चल जाए तो देखो लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी। यदि ये डिस्टेंस P है और ये एंगल थीटा है तो आप देखोगे यहां पर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज P cos थीटा कॉमा P sin थीटा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आप देखो जरा इसका, यदि हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं x एक्सिस के ऊपर तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस के ऊपर कितना आएगा, ये डिस्टेंस P cos थीटा। और इसका प्रोजेक्शन यदि y एक्सिस पे लोगे तो आप देखोगे कि ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी बेटा, P sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज P cos थीटा कॉमा P sin थीटा। ठीक है ना, यदि आपको यहां पर इस लाइन पर एक पॉइंट मालूम चल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज P cos थीटा कॉमा P sin थीटा। दूसरा, ध्यान देना ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल हमें मिलेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यदि ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुझे मालूम है कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मालूम बना रही है तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर इस लाइन का स्लोप भी डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ 90 प्लस थीटा। तो पॉइंट मालूम चल गया हमें, यहां से लाइन का स्लोप मालूम चल गया, तो लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m
is defined as the slope, which is tan of 90 plus theta into x minus x1, x minus p cos theta. ठीक है, यदि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जा सकते हैं. वो क्या बन जाएगा, y माइनस p साइन थीटा. यदि हम बात करें यहां पर tan 90 प्लस थीटा की, तो ध्यान देना tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस cot थीटा, x माइनस p cos थीटा. ठीक है ना, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है. cot थीटा को लिखेगा बेटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, तो साइन थीटा को जब हम इधर कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा वाई साइन थीटा माइनस पी टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर जो बचा है माइनस कॉस थीटा, इस माइनस कॉस थीटा को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा माइनस में एक्स कॉस थीटा माइनस, और माइनस प्लस में हो जाएगा पी कॉस स्क्वायर थीटा. तो यदि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म इज डिफाइंड एज x cos theta plus y sin theta is equals to p, where p is defined as the perpendicular distance of the line from the origin and theta यहां पर क्या डिफाइन करता है, theta is defined as the inclination made by the perpendicular line from the x-axis. ठीक है ना, तो यदि theta आपको मालूम है, p की वैल्यू आपको मालूम है, तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. क्लियर हो गया. अब यदि मैं यहां पर बात करूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, जब हम लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान देना बेटा इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या आता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है. मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहां पर P की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, जैसे कि यदि मैं बात करूं यहां पर, हमें कोई भी एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन की इक्वेशन है कुछ इस तरह से 3x plus 4y is equals to 10, ये लाइन की इक्वेशन है और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है. तो यदि आप कभी भी ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो आप ध्यान दें यहां पर P इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस लाइन को कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में. ठीक है, और जब कभी भी आप लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, और वो क्या है बेटा, जब हमारे पास लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन होती है, यहां पर x का कोफिशियंट a है, y का कोफिशियंट b है, तो आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x का जो कोफिशियंट है और जो y का कोफिशियंट है दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दें यदि आप कभी भी इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है, कोफिशियंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर और उसका अंडर रूट. यदि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें इस एक्सप्रेशन से अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये जो एक्सप्रेशन यहां पर आएगा, जो इक्वेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना, यदि 3 अपॉन 5 इसको कॉस थीटा मान लिया जाए तो आप देखेंगे कि यहां पर 4 अपॉन 5 क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, और जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू आपको मिलेगी 2, दैट इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया है इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है. ठीक है, चलिए, थैंक यू.